ये है मेरा मोबाइल और मैं केबल लेके आया हूँ। तो अगर आपके पास सी टाइप चार्जर है, दोनों टाइप सी रहना चाहिए, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट दिया है तो यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। आप बाइक स्टार्ट करके करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ये आप देख सकते हो। अभी मैंने बाइक चालू किया तो वापस से चार्जिंग कनेक्ट हो गया है, ज़रा भी झटका नहीं मार रही है। तो आप लोग देख सकते हो मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ बट बाइक ज़रा भी झटका नहीं मार रही है। मेरा हाथ यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रॉटल पे लॉक है, मैं एक्सेलेरेटर नहीं दे रहा हूँ। अभी फोर्थ गियर पे है, ये फिफ्थ गियर और ये छठा गियर मैंने लगा दिया बट हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे और एक न्यू वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग होंगे मस्त और मैं भी एकदम ज़बरदस्त। तो आज है अपने पास KTM की न्यू ड्यूक 250 विथ TFT साथ में DRL। तो वापस से आज ड्यूक 250 का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे, कुछ चीज़ें जो इसमें मैं बताऊँगा। और बाइक का लुक देखो यार, एकदम सेम ड्यूक 390 की जैसी दिखती है। और जब से DRL और TFT चेंज हुआ है, गाड़ी का पूरा लुक चेंज हो गया है। फ्रंट साइड से अगर हम लोग बात करें तो कहीं से ये ड्यूक 250 नहीं दिखती है। तो आज इसका हम लोग क्विक शिफ्टर टेस्ट करेंगे कि क्विक शिफ्टर जब बाइक चलाते तो वो काम कैसा करता है, बाइक में झटका मारती है या नहीं मारती। कि बहुत सी बाइक में मैंने देखा है, मेरी खुद की RC 390 है, वो क्विक शिफ्टर उसका बराबर काम नहीं करता है। तो आज हम लोग ड्यूक 250 का क्विक शिफ्टर देखेंगे कैसे काम करता है। तो अभी इसमें एक चीज़ चेक कर लेंगे, जो इसका चार्जर का जो पॉइंट दिया है। तो ये है मेरा मोबाइल और मैं केबल लेके आया हूँ। तो अगर आपके पास सी टाइप चार्जर है, दोनों टाइप सी रहना चाहिए, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट दिया है तो यहाँ पे कनेक्ट करना है आपको और फिर अपने मोबाइल में। तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये चालू नहीं होगा, उसके लिए आपको बाइक स्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे कनेक्ट होता है बट अगर आप बाइक स्टार्ट करके करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ये आप देख सकते हो। अभी मैंने बाइक चालू किया तो वापस से चार्जिंग कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो चार्जिंग पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे भी। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि मोबाइल चार्जर इसके अंदर है। पहले बहुत से लोग आफ्टर मार्केट लगाते थे तो उसमें वायरिंग से छेड़खानी करना पड़ता था या बैटरी में कनेक्ट करना पड़ता था। अभी TFT में डायरेक्ट इंस्टॉल आता है तो इसमें डायरेक्ट अपन चार्जिंग केबल लगा के अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो अब अपन टेस्ट करेंगे इसका क्विक शिफ्टर कैसे काम करता है। तो पहले मैं पीछे देख लेता हूँ, कोई कार या बाइक तो आ रही नहीं है, अपनी सेफ्टी पहले है, रिव्यू तो चलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अभी, ये मैंने हाथ छोड़ दिया हूँ। तो बाइक जरा भी झटका नहीं मार रही है। तो आप लोग देख सकते हो मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ बट बाइक जरा भी झटका नहीं मार रही है। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि हाँ, एक चीज मैं इसमें सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, एक चीज़ इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि RPM आप जितना ज़्यादा दोगे क्विक शिफ्टर यूज़ करने के लिए उतना ज़्यादा बेटर ये परफॉर्म करेगा। अगर आप लोग 2000 RPM या 2500 RPM पे करोगे तो वो थोड़ा सा झटका मारेगा, इसके लिए थोड़ा सा RPM आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। वापस से एक बार मैं करके दिखाता हूँ, वापस से स्टार्ट करते हैं, मैंने हाथ छोड़ा हुआ है, अब आप लोग चेक करो। मेरा हाथ यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रॉटल पे लॉक है, मैं एक्सेलेरेटर नहीं दे रहा हूँ। अभी फोर्थ गियर पे है, ये फिफ्थ गियर और ये छठा गियर मैंने लगा दिया बट गाड़ी में आप लोग वाइब्रेशन देखो, जीरो वाइब्रेशन है। और मैं विदाउट क्लच दबा के गाड़ी का गियर अब चेंज भी वापस डाउन करता हूँ, डाउन शिफ्ट करता हूँ। तो
इस तरह से क्विक शिफ्टर इसका काम करता है और काफ़ी स्मूथ काम करता है, क्योंकि मेरे पास खुद मेरे पास RC390 है, बट उसका क्विक शिफ्टर का काम है, क्योंकि जब से मैंने लिया है उसका क्विक शिफ्टर बराबर काम नहीं करता है। दो बार मैंने दिखाया है बट उसका अभी तक सॉफ्टवेयर आया नहीं है। जब उसका सॉफ्टवेयर आएगा तो अपडेट हो जाएगा, तो ऐसा वो लोग बोल रहे हैं कि वो हो जाएगा, तो देखते हैं। बट ड्यूक 250 का क्विक शिफ्टर बेस्ट है, ज़रा भी मतलब झटका नहीं मारता है, फील नहीं होता है। अभी बाइक मेरी एकदम स्लो है, 30 की स्पीड में है, 25 टू 30 की स्पीड में। अगर ये स्पीड में भी अगर मैं गियर चेंज करता हूँ तो कितनी आराम से चेंज होगा आप लोग नोटिस करना। अभी मेरी गाड़ी सेकेंड गियर पे है, देखो आप शिप देख रहे हो आप कितनी आराम से। अभी मेरी गाड़ी आ गई है छठे गियर के, 6 गियर पे मेरी गाड़ी, बट मैं इसको कम भी करता हूँ तो बहुत ईजी और बहुत आराम से हो जाता है। देखो 5 4 3 2 3 4 5 6, मतलब इतना इजी, मतलब ये अपशिप भी हो रहा है, डाउनशिप भी हो रहा है और झटके का कोई अता पता नहीं है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है 250 में, ये 390 में देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ 250 में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी पावर बहुत, मतलब बहुत सही पावर है इसकी 250 सीसी इंजन में। तो काफ़ी लोग को पता होगा ड्यूक 250 या ड्यूक 390 जनरेशन 2 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो हैंडल बार आता था वो काफ़ी बड़ा रहता था साइज़ में, जैसे कि ये हैंडल बार है, और उसमें नकल गार्ड लगता था तो और बड़ा हो जाता था, जिससे हैंडल और बड़ा हो जाता था तो ट्रैफिक में जैसे कि थोड़ी सी जगह कम है तो वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। बट जनरेशन 3 में ऐसा नहीं है, इसका हैंडल बार का साइज़ है वो उससे काफ़ी कम है। दोनों साइज़ का अगर मैं बात करूँ तो हैंडल बार की साइज़ थोड़ा कम है, जिससे हैंडल और थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जिससे ट्रैफिक में राइड करने में और आसानी हो जाती है, मतलब बहुत आराम से इसको चला सकते हैं ट्रैफिक में, कम जगह में भी बहुत आराम से निकल जाती है। और हीटिंग का प्रॉब्लम का तो इश्यू पहले भी नहीं था, मतलब 250 में, और अभी भी नहीं है, बट सिटी में जब ज़्यादा ट्रैफिक रहती है तो थोड़ा सा फेस करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से कर देना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ,